ओम नमः सत्येभ्यः ओम नमः सत्येभ्यः ओम नमः सत्येभ्यः नमो ओरियंतां नमो सिद्धां नमो आयर्यां नमो वेचायां नमो लोये सर्वसां मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौत्र मंगली मंगलं कुंदक नदाद्यो जयं धर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमंगल मंगल्यं सर्व कल्याणकारिकं तदानं सर्व धर्मानां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कल्यात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय पांच मिनट है अभी अपने पास में अब उन्हें पांच मिनट पहले क्लास चालू कर दी इसलिए अपन ने जो पहले का पढ़ा है थोड़ा सा उसका रिवीजन करेंगे असत्य के भेदों के नाम बताइए असत्य के कुछ भेदों के नाम बताइए नोट्स है नोट्स में से देख देख के बता दो पढ़ पढ़ के बता दो एक नोट्स की कॉपी मेरे को भी दे देना एक आप यदि हो तो नहीं तो ठीक है एक एक्स्ट्रा और देना ठीक बताओ असत्य के भेदों के नाम पांच छह इसमें छह कोई भी दो तीन बता दो ग्रहित कि गर्हित ग्रहित और गर्हित में गर्हित और हाँ विद्यमान वस्तु का निषेध करना और सद्भाव के दो तीन हो गए और निंद अप्रिय वचन सामर्थ्य संयुक्त वचन ये सब असत्य वचन के भेद अब वैसे तो असत्य बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए लेकिन गृहस्थ जो है सारे असत्य का त्याग नहीं कर सकता तो कितने असत्य का त्याग करता है कैसे झूठ का त्यागी होता है कौन सा वाला झूठ नहीं बोलता कौन सा दुख पहुंचे जिससे किसी के ऊपर कोई बड़ी आपत्ति आ जाए संकट आ जाए उसकी आजीविका छिन जाए ऐसा झूठ नहीं बोलता किसी की झूठी गवाही नहीं दे देगा झूठा लेख नहीं लिखेगा किसी की आजीविका आदि कोई बड़ा संकट बंधन में पड़ जाए किसी के कोई प्राण संकट में पड़ जाए ऐसा झूठ नहीं बोलेगा और सारे झूठ के त्यागी कौन होते हैं महर्षि मुनिराज वो रंच मात्र भी झूठ नहीं बोलते अप्रिय वचन कठोर वचन ये सब काय की श्रेणी में आते हैं असत्य की श्रेणी में क्यों है ये असत्य की श्रेणी असत्य की श्रेणी में क्यों क्यों आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगती है लेकिन सच्ची है तो वो असत्य है कठोर वचन अपनी वचन असत्य कैसे है दूसरे को अच्छा लगे नहीं लगे उससे क्या सत्य तो है असत्य कैसे हुआ कि मैंने बताया नहीं वैसे इसका उत्तर है असत्य कैसे है अपनी कठोर वचन पर निंदा के वचन असत्य कैसे ये अपने दिमाग से उत्तर देना है ये मैंने बताया नहीं थोड़ा बहुत बताया इसके बारे में बहुत पहले बताओ अपने सोच के मन से कुछ भी दिमाग लगा बताओ कौन बताया हाथ खड़ा करके बताओ कोई नहीं
और निंदा गाली चुगली कठोर अप्रिय ये सब असत्य की श्रेणी में क्या आते हैं। सत्य है ना, तो सत्य भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए जो कि अप्रिय लगे कठोर लगे निंदा वाला हो। वो असत्य क्यों है? असत्य इसलिए है क्योंकि किसी जीव को उससे पीड़ा पहुंचती है। और मूल पाप तो अपन ने बताया था एक ही है, हिंसा। तो और ये सब तो हिंसा के ही भेद है, तो उसमें हिंसा हुई कि नहीं हुई? पर जीवों के प्राणों को पीड़ा पहुंची कि नहीं पहुंची? जब हमने किसी को कठोर वचन कहा, गाली दी, तो बहुत अच्छा लगा उसको, बहुत बुरा लगा, बुरा लगा। चुगली करी, बुरा लगा। अपनी कठोर ये सब क्या है? इसलिए चूंकि दूसरे जीव को ये दुखी करते हैं, इसलिए हिंसा है। और हिंसा भी असत्य है, असत्य जो है वो हिंसा का ही भेद है। या यूँ कहें कि हिंसा के भेद को समझाने के लिए हमने असत्य चोरी ऐसे भेद किए हैं। तो ये असत्य ये सब चूंकि कठोर वचन अप्रिय वचन ये सब पर जीवों को पीड़ा कारक होने से हिंसा की श्रेणी में आते हैं। और हिंसा भी असत्य का ही एक असत्य जो है हिंसा का ही एक भेद होने से ये सब असत्य कहे जाते हैं। जिस जिस में हिंसा होती है वह असत्य, दूसरे की हिंसा हो रही कि नहीं हो रही इसमें असत्य। असत्य का त्याग करने के लिए जीव को पांच चीजें करनी पड़ेगी। अब पढ़ते हैं अपने को आज क्या क्या पांच टाइम हो गया ना। हाँ पढ़ सकते हैं आगे। देखो सत्य व्रत की भावनाएं निकालो पेज नंबर 4। सत्य व्रत का पालन करने के लिए पांच भावनाओं का पालन करना आवश्यक। पेज नंबर 4 पांच पाप वाला नोट्स। जो लोग नहीं आए पहले तो वो ले ले नोट्स, जो घर पे रख के आए वो भी ले ले। सबके हाथ में नोट्स होने चाहिए। तो सत्य बोलने के लिए पांच चीजें जरूरी है। कौन कौन सी पांच चीजें? तो 4 चीजों का त्याग जरूरी है और 1 चीज का ग्रहण करना जरूरी है। कितनी चीजों का त्याग करना चाहिए? 4 और 1 का ग्रहण। किन 4 चीजों का त्याग करना अनिवार्य है? तो हिंसा का नहीं, हिंसा का हिंसा, क्रोध का, लोभ का, हास्य का और भय का। ये 4 चीजों का त्याग सत्य बोलने के लिए आवश्यक, क्योंकि इन 4 के वशीभूत होकर जीव सत्य नहीं बोल सकता। गुस्सा आ रहा होता है तो गुस्से में अपने आप झूठ कहने में आ जाता है। गुस्से में आदमी अपने में नहीं रहता, आपे में नहीं रहता, कुछ भी बोलने लगता है, अपनी भी बोलने लगता है, कठोर भी बोलने लगता है, और जो सत्य नहीं है वो भी बोलने लगता है। तुम मेरे घर से निकल जाओ, तुम्हारे हाथ पाँव काट तोड़ दूंगा, मार डालूंगा, मेरे सामने दिखना चाहिए, आज से अपन दोनों में कोई संबंध नहीं है, सब बोल दिया। नहीं वो सत्य है, कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि क्रोध के अंदर असत्य के वचन बोल ही रहता है। इसलिए क्रोध का वश होना सत्य बोलने के लिए अनिवार्य है। क्रोधी कभी सत्य नहीं बोल सकता, क्योंकि क्रोध के आवेश में उसको विचार नहीं रहता, गुस्से के आवेश में होश तो ही रहता है, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। ये विचार कब तक रहता है? जब तक गुस्सा नहीं आ रहा। अभी शांति से है तो सब प्रेम से ही बोलेंगे। सच्ची में किसकी वाणी में सत्यता रह सकती है कि जिस व्यक्ति को गुस्सा नहीं आता? अभी तो आपस में अपन मिलेंगे, प्यार से बातें करेंगे ना सब लोग। अभी किसी की कोई चीज कम पड़ जाए, समझ लो कुछ भी चीज, कोई चौकी यहाँ हो जाए किसी को, जहाँ बैठता है वहाँ नहीं बैठने को मिले। क्या अपने यहाँ तो बहुत सज्जन लोग हैं, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि जरा सी प्रतिकूलता आती है तब पता चलता है कि आदमी की वाणी में कितनी सत्यता है। ऐसे तो सभी सत्य धर्म के धनी हैं, लेकिन प्रतिकूलताओं में उसकी सत्यता की परीक्षा होती है। इसलिए क्रोध का त्याग होना चाहिए। दूसरा लोभ का त्याग। लालच खूब हो आदमी को तो वो आदमी चाह के भी सच नहीं बोल सकता, लालच बोलने नहीं देता। क्या कह रहा? धन का लालच इतना है, सत्य नहीं बोल।
घुमा फिरा के सब खुद उसके परिवार वालों को भी समझ नहीं आई क्या चाहते हैं। तो वो लोभी व्यक्ति जो है असत्य भाषण किया गया, खरीदना हो तो बोले मेरे को बेचना है, बेचना हो तो बोले मेरे को खरीदना है। तो ग्राहक दिखे नहीं अगर भाव के भाव दे रहे तेरे को, और लेना हो तो भैया मुनाफा खा के ले रहे हैं। मतलब लोभ व्यक्ति को आदमी लोभ जीव को सत्य नहीं बोलने देता, उसका लालच इतना हावी है कि वो नहीं बोल सकता। लालच कम होगा तो ही आदमी में इतनी हिम्मत होगी कि वो सत्य बोल सके। इसके लिए बस हिम्मत का काम चाहिए, सामान्य चीजें थोड़ी नहीं है। समझने के लिए सरल है और करने के लिए थोड़ा पुरुषार्थ की चीज है। ऐसे हंसी मजाक की आदत हो, खूब हंसी मजाक तो बात बात पे झूठ बोले बिना रहते ही नहीं। हंसी मजाक में तो झूठ ही होता है साथ, हंसी मजाक होती तब है जब झूठ बोला जाता है, सच में हंसी मजाक कैसे होएगी। तो इसलिए हास्य के वशीभूत होकर भी जीव सत्य नहीं बोल सकता। और भय लगा हो किसी चीज का, किसी बात का भय हो, कोई आदमी बंदूक बढ़ा दे अपने मेरे खिलाफ, गवाही नहीं देना, झूठी बात बोलनी पड़ेगी तुमको, तो मैं तुम्हारे परिवार से तुमको मार डालूंगा, तो आदमी को झूठी गवाही देनी पड़ेगी। किसी का भय होता अपने को ये अपना वीर बुरा नहीं कर देंगे, ये बिगाड़ नहीं कर दे कुछ, इनसे पंगा मत मोल लो, ये पता नहीं कब क्या वीर निकाल ले, तो आदमी असत्य बोलने के ऊपर बाध्य हो जाता है। इसलिए भय का त्याग होना भी जरूरी है, निर्भीक व्यक्ति ही सत्य बोलने में समर्थ हो सकता है, जिसको किसी का भय नहीं है। सामने वाले व्यक्ति को उसके हित की बात कौन बता सकता है जिसको सामने वाले का भय नहीं है। यदि सामने वाले का भय हो, उससे कुछ लोभ हो, तो वो सत्य नहीं बोल सकता क्या, क्योंकि सामने वाले के कोई अपराध भी हो और यदि उसको सच सच बता दिया जाए कि तेरे ये अपराध है, तेरी ये गलती है और ये गलती से तुझे ही आगामी काल में दुख होगा, तो ये बोलने के लिए आदमी को एक तो सामने वाले के प्रति सामने वाले से भय नहीं होना चाहिए, दूसरी बात कि सामने वाले से कोई अपेक्षा नहीं हो। आज क्या स्थिति है, लोग जो है सच सलाह नहीं देते, सब एक दूसरे की एक दूसरे मतलब वो कोई गलती भी कर रहा हो आदमी, तो गलती भी कर रहा हो तो उसको उसकी गलती नहीं बताएंगे, बोले डूबने दो इसको, अपन बताएंगे तो अपन बुरे पड़ेंगे, और बल्कि उसको ऐसा मक्खन पॉलिश चिपड़ चिपड़ के ऐसा करेंगे कि सामने वाले के दोष न बता के उसको डुबो दे। क्या तो वो बहुत खतरनाक है। मैं कहता हूँ कि जो अपने को सत्यार्थ बने, अपने दोषों का निरूपण करे, तो वो अपने लिए भला है। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छुपाए, बिन पानी बिन साफ हो गए निर्मल नीर द्वार, तो वो व्यक्ति भला है। इसलिए ये लोभ आदि के वशीभूत हो, सामने वाले से कुछ प्रयोजन होगा तो वो उसको हित की सलाह भी देगा। क्यों? क्योंकि यदि मैं इसको इतनी सलाह दूंगा, इसको कोई चीज़ बुरी लग गई तो ये मेरा नुकसान करेगा, फिर मेरे को इससे पैसा नहीं मिलेगा, कुछ भी चीज़ मतलब जो भी उसका प्रयोजन, तो वो उसके सामने सामने उसको उसकी प्रशंसा ही करता रहेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा लोभ का और भय का दोनों का त्याग होना जरूरी। वो निर्भीक व्यक्ति ही सामने वाले के दोषों का वर्णन कर सकता, नहीं तो सामने वाले के कभी भी दोष नहीं बता सकता, और दोष नहीं बता सकता तो उससे नुकसान किसका होगा, सामने वाले का नुकसान होगा। समझ में ही नहीं बात, तो इससे तो वो अच्छा है अपने को जो अपने कम से कम दोषों का वर्णन कर सकता। अब इसके बाद में ये हुई अपने सत्य, एक भावना और बची है, तो चार चीजों का तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, और एक चीज का पालन करना होगा। कौन सी चीज का पालन करना होगा, अनुविची भाषण,
अनुविची भाषण वाले जनवाणी के अनुसार वचन बोलने होंगे। अनु अनु माने अनुसार, विची माने वचन, जनवाणी के अनुसार वचन बोलेगा। जनवाणी के अनुसार वचन बोलेगा कब? जब जनवाणी पढ़ेगा तो जनवाणी के अनुसार बोलेगा। इसलिए सत्य बोलने के लिए जिनागम का ज्ञान होना अनिवार्य है। ये चार चीजें तो आपको नास्ति से बताई कि क्या चार चीज नहीं होने चाहिए, और एक चीज है अस्ति से कि क्या चीज हमारे अंदर होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से ये पांच सत्य व्रत की भावना है। अब देखो इसके बाद में अगला पाप है अपना चोरी। सत्य की तो हो गई अपनी चर्चा विस्तार से। सत्य बोलने के लिए सत्य जानना आवश्यक है, और सत्य जानने के लिए जिनवाणी का ज्ञान होना आवश्यक। धर्म के क्षेत्र में हम अपनी मर्जी नहीं चला सकते, हमें जो जिनवाणी की आज्ञा होगी उसी के अनुसार बोलना होगा। जिनवाणी की आज्ञा जानने के लिए हमें जिनवाणी पढ़ना होगी। ये जो गादी है ना, ये गादी जैसे जैसे गादी पर हम बैठते हैं तो एक तो दो शर्तें हैं यहाँ पे कि यहाँ हम आगम के अनुकूल बोलेंगे, दूसरी बात यहाँ किसी व्यक्ति विशेष के सम्मान उम्मान नहीं होगा, किसी व्यक्ति की तारीफ नहीं, ना हम आपकी तारीफ करेंगे ना आप हमारी करेंगे। हम यहाँ पे भगवान जिनेंद्र की वाणी सुनने के लिए बैठेंगे, आपस में एक दूसरे का सम्मान करने के लिए नहीं बैठे। इसलिए तो उन्होंने कहा कि भय नहीं हो, लालच नहीं हो, अपेक्षा नहीं हो। ये भय और लालच जो है जिनवाणी की सत्य बात बोलने नहीं देता, वो ऊपर ही ऊपर सारा काम चलता रहता है। वो जो मूल तत्व है, मूल जो आगम में लिखा है, वो बात कभी बाहर आ सकती नहीं है। तो इसके लिए हमें आगम का ज्ञान करना स्वयं को आवश्यक है, ये जिम्मेदारी हमारी है। यदि आप सचमुच सत्य बोलना चाहते हो तो आपको सत्य जानना पड़ेगा, और सत्य जानने के लिए आपको आगम का अभ्यास करना होगा। अगला पाप है अपना चोरी। सब जानते हैं वैसे चोरी क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, किसी की गिरी हुई हो, पड़ी हुई कहीं रखी हुई हो, पड़ी हुई हो, भूली हुई रखी हुई वस्तु को बिना उसके मालिक की आज्ञा के उठा लेना या उठा के किसी दूसरे को दे देना, ये सब क्या है चोरी। या उठाने का भाव भी करना वो चोरी। हम लोग बचपन में पाठशाला जाते थे तो एक बार पाठशाला रास्ते में जाते जाते एक चमनी दिखी, हमने उठा ली चमनी फटाक और उठा के मंदिर के अंदर गुल्लक में डाला। ऊपर हमारी टीचर थी, उनसे हमने कहा आज तो हमने भी दान करा है, अभी हमारी कमाई चालू नहीं हुई लेकिन दान हमारा चालू हो गया। तो टीचर ने पूछा काय का कौन सा दान दिया है, तो हमने कहा वो चमनी मिली थी, फिर उस चमनी को हमने कुछ भी चॉकलेट वॉकलेट में खर्च नहीं किया, हमने उस चमनी का गुल्लक के अंदर दान कर। उन्होंने कहा तुमको दान ही करना है तो अपनी जेब का करो, जो चीज तुम्हारी है ही नहीं उसका दान कैसे किया जा सकता है, पहले तो तुमने चोरी करी, पाप किया। हमने कहा क्या का पाप किया, हमने वो चीज पड़ी हुई थी वहाँ चमनी, हमने उठाया था, कोई दूसरा उठा था, बोले दूसरा उठा था तो उठा था, वो उठाने का काम तुमको नहीं करना था, क्या तुमको अधिकार नहीं है उस चीज को उठाने का। दुनिया जो उठाएगी वो चोरी का भागी बनेगा, वो पाप करेगा, और कोई भी नहीं उठाएगा तो व्यक्ति वहाँ आएगा ढूंढते ढूंढते उसको अपनी चवन्नी मिल जाएगी। उस समय चवन्नी की भी कीमत थी, आज आप लोग समझोगे कैसी बात कर रहे हैं लेकिन ये उस समय की बात बताओ, उस समय चवन्नी भी चला करती थी। तो हमारी हम ये काम नहीं कर सकते, बात चवन्नी की हो भले वो 10 पैसे की हो, इन सवाल ये उठता है कि हम जो है किसी दूसरे का गिरा हुआ धन उठाने का अधिकार हमें नहीं है। वो व्यक्ति स्वयं आके उठाए तो उठाए, कोई दूसरा उठाए तो दूसरा चोरी करेगा, जो भी कुछ करे हम नहीं उठा सकते क्या। जिसकी जो चीज पड़ी है छान पड़ी रहे, कोई भूल गया है, किसी की गिर पड़ी है, पड़ी हुई है, रखी हुई है, हम उसके मालिक की आज्ञा के नहीं उठा सकते। और जब हम स्वयं भी उसका उपयोग नहीं कर सकते और ना हम उस पैसे को किसी और को दे सकते, अरे आचार्य तो इतना तक कहेंगे आगे कि चोरी तो अपन कर ही नहीं सकते हैं,
चोरी का माल भी नहीं खरीद सकते, चोरी करने की प्रेरणा भी नहीं दे सकते, और लेने देने के जो तराजू बाट होते हैं ये भी कम ज्यादा रखना ये सब चोरी है, मिलावट करना चोरी है, झूठा लेख लिखना चोरी है, कम वस्तु की वस्तु में अधिक वस्तु की अधिक मूल्य की वस्तु मिलाना सब चोरी है, कालाबाजारी ये सब चोरी है की उदाहरण है, काली मिर्ची में पपीते के बीज मिलाना, कोई किराने वाला हो तो इनमें से विधियां मत सीख के चले जाना, उदाहरण दे रहा हूं मैं केवल। मतलब कोई भी ऐसी चीज में सोने में पीतल मिलाना ये सब चोरी के अतिचार है, चोरी की दोष है, तो इसलिए ये सब काम हम नहीं कर सकते। राज्य का जो हासिल है वो राज्य का हासिल अपने को चुराने का अधिकार नहीं है, इनकम टैक्स होता है ना अपन सब चोरी करते हैं, लेकिन है वो चोरी, वो चोरी नहीं ऐसी बात नहीं है, पाप तो लग रहा है उसका अपने को, क्योंकि जो राजा का हासिल होता है वो राजा का हासिल नहीं देना उसको वो एक प्रकार की चोरी है, चाहे वो इनकम टैक्स चोरी हो, सेल्स टैक्स हो, कोई से भी दुनिया भर के टैक्स हो। ये सब चोरी के दोष है, ठीक है, और देखते हैं आगे चलो, इसके बाद तो कुछ ही बात होती है। इनकम टैक्स की चोरी हो या आपकी इनकम होती है, ऐसा होता है कि जो इनकम होता है ना उस पर टैक्स लगता है, तो गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है तो लोग उसको नहीं देते, नहीं देते हैं और उसको छुपा लेते हैं, बताता ही नहीं गवर्नमेंट को क्या इनकम हो रही है, इस प्रकार से इनकम टैक्स की चोरी करना, क्योंकि लोगों ने समझ रखा है अपने यहाँ इस देश में कि इनकम का कोई टैक्स नहीं दिया जाता, ये तो अपना अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है, इस पर टैक्स आएगा, टैक्स लगाने का अधिकार गवर्नमेंट को कहाँ से आ गया, और गवर्नमेंट की भी कुछ गलतियाँ रही, कुछ पॉलिसी उनकी ऐसी रही बीच में कि उन्होंने 90% टैक्स लगा दिया, तो लोगों ने उस समय में टैक्स देना बंद कर दिया, जो उस समय से देना बंद कर दिया, अब गवर्नमेंट ने वो सारी पॉलिसी बदल दी, सब चीज़ बदल गई, सालों हो गए उस बात को, टैक्स की दरें भी कम हो गई, फिर लोगों की आदतें जो एक बार सेट हो गई वो आदतें नहीं बदलती, और अब तो इतना कहते हैं लोग की इतनी कम दरें हो गई है, अब तो देना भी कोई मतलब बहुत बड़ा वो नहीं है कि बहुत बड़ा भाग देना पड़े, और फिर भी नहीं देना तो चोरी तो चोरी है, उसका दंड भी मिलता है ऐसे राजा की तरफ से। इस प्रकार से चोरी नहीं करने वाले को ये सब दोषों का क्या करना जरूरी है, क्योंकि चोरी जो है वो एक बहुत बड़ा पाप इसलिए माना गया है क्योंकि धन जो है वो व्यक्ति का प्राण होता है, आप किसी का धन नहीं चुराते हो, वास्तव में उसके प्राण ही चुराते हो, और बनिएगा तो पूछ लो आप कि सबसे बड़ा प्राण क्या है, तो उसको इंद्रिया याद नहीं आएगी, धन बनिए का खून कब बढ़ता है, उसकी पत्नी कितने ही माल कुआ खिलाए और यदि उस दिन भाव कम हो जाए तो बनिए का खून कम हो जाए, और कुछ नहीं खाए उपवास भी कर ले फिर उसकी चीज़ों के भाव बढ़ जाए तो उसका अपने आप खून बढ़ जाएगा, तो बनिए का तो धन नंबर एक प्राण है, और किसी ने उसका धन चुरा लिया मैंने उसने क्या चुरा लिया, उसका क्या चुरा लिया, प्राण ही चुरा लिया, तो जिस प्रकार हमें अपने प्राण चुराए जाने पर दुख होता है कि सुखी होती है, सुख की अनुभूति, दुख की अनुभूति दुख लगता है ना, तो अपने को अपने प्राण चुराए जाने पर दुख लगेगा, तो दूसरे का यदि हम प्राण चुराएंगे प्राणों का हरण करेंगे तो उसको भी दुख लगेगा, इसलिए कभी भी धन नहीं हरण करना, क्योंकि धन का हरण होने से आदमी को बहुत मानसिक पीड़ा होती है, शारीरिक पीड़ा सहन कर सकता है लेकिन धन के चुराए जाने की पीड़ा को सहन नहीं कर सकता। अभी अपन कोई चीज लेके आए या रखी दर्शन करने गए और वापिस आए और अपने को नहीं मिली और वो चीज़ गई सो गई, लेकिन उसके विकल्प कितने चलते हैं, कितना अंदर में वो विकल्प होता है, कहाँ गई, यहीं तो रखी थी, कौन ले गया होगा, और फिर जो भी आदमी देखे हर आदमी का चेहरा देखे ऊपर से नीचे तक भाव बिगड़ते कि नहीं बिगड़ते। मैं आपको सच्ची घटना बताऊँ, मैंने आपको बताई होगी पहले कि हमारे वहाँ मंदिर के अंदर एक महिला है वो चांदी की थाली में पूजा करती,
एक बार क्या हुआ कि एक वेदी के दर्शन करने के लिए वो गई और थाली में रखी थी, तो उसके कुछ एक बर्तन जो है माली का बेटा बटा कर ले गया। मैं भी वही पढ़ रहा था लेकिन मेरे को ध्यान भी नहीं कि कब आया माली का बेटा क्या हुआ। अब वो आई माता जी और वो देखा गया, अब बेटा भी मेरे से स्पष्ट तो कैसे गए, क्यों आपने कुछ देखा? क्या देखा है आपने? तो कुछ नहीं देखा है। अब वो जो है उस समय तो कुछ नहीं बोल पाए, सब जगह घूम ढूंढा लिया, कुछ पूछा लिया, कुछ नहीं। अगले दिन तो पूरी मेरी पूछताछ चालू हो गई, कोई आया था क्या, क्या हुआ था क्या। मैंने कहा भाई मुझे कुछ नहीं मालूम है क्या हुआ है, और आप कहो तो कल से मैं इस जगह बैठना भी बंद कर दूँ, क्या करूँ, क्या अपराध अपना। अपन केवल वहाँ बैठे थे लेकिन कितना उसमें आसक्ति कितनी। और मैंने कहा भाई तेरे को जब इतनी यदि चांदी की इतनी ललक थी, तेरी एक एक चम्मच से इतना मोह था, तो तू क्या पूजा करती होगी? तू तो अब तू अब तो वो ये है कि नौ बार नमोकार मंत्र आते ना बीच में पूजा के अंदर, तो वो नौ बार नमोकार मंत्र तीन बार तो आँख खोल के देख ली थी। मैंने एक चम्मच में तेरे की तेरी सारी पूजा इधर उधर हो गई, तो क्या है ऐसी पूजा में, क्या दम है? और हर आदमी आता हुआ तेरे को चोर दिखता है, हर आदमी जो ऊपर आए उसको नीचे से ऊपर अच्छे से देखे घूर घूर के बड़े कि ये आदमी क्या हो गए। तो इसलिए बहुत बुरी चीज है धन, और ये जितने चांदी सोने के आभूषण है गहने हैं ये बहुत आकुलता उत्पन्न करने के कारण है। मैं तो कहता हूँ ये परिणाम की दृष्टि नहीं है, अपने को प्रदर्शन पर ज्यादा दृष्टि है। इससे अच्छा तो भले ही काय की चांदी की उसकी थाली हो भले स्टील की, और आराम से आग तो मीच सके कम से कम अच्छे से। मिल गई वो तो खैर दो पांच दिन बाद तो मैं बरी हो गया, लेकिन जिसके पास से मिली उसको खूब मार पड़ी, उसको नौकरी से निकाल दिया, खूब कलह हुआ। एक दिन इतनी अशांति हुई, मैंने कहा भैया ये चांदी सोने वालों से अपने को डर लगता है, अपने तो स्टील की थाली अच्छी आराम से सामने रखी है, माला फेरना हो तो माला फेर लो, कुछ पढ़ना हो तो पढ़ लो, ये चांदी सोने वाले खतरनाक लोग। तो धन की स्थिति यही है, एक इतनी चांदी भले ही वो एक चांदी की चम्मच हो, लेकिन अब वो जब भी पूजा करें तो चम्मच ही चम्मच दिखती है, चम्मच क्या मेरी चम्मच क्या चम्मच, इसमें मजा थोड़ी नहीं आ रहा है इसे डालने में, चम्मच से लगे आनंद आता था। तो अपनी सामग्री वही ले जाना कि जिसके जाने पे अपने को विकल्प ना, जिसके जाने पे अपने को खूब विकल्प हो जाए, तो जिंदगी भर जब भी पूजा करोगे तब वो चांदी की चम्मच याद आएगी कि मेरी भी एक चम्मच थी। जिस किसी को चम्मच से जल चढ़ाते हुए देखोगे अपनी चम्मच याद आएगी। समझ आया ना? तो एक तो अव्वल बात तो अब जिसने चोरी की तो कितना उसको उसको दंड भी मिला उसका, तो चोरी की तो मान लो उसने उसका सब कुछ छीन लिया ना, उसके धर्म साधना छीन ली, उसके प्राणी छीन लिए, जैसे उसका सारा विकल्प सब चीजों से हटके बस एक ही चीज पे काय बात पे ये कौन ले जाए कौन ले जाए। तो इसलिए अपन ने उसके परिणाम बिगाड़े तो अपने को भी दोष लगेगा भयंकर। इसलिए ये चीज बहुत महापाप है, सामने वाले को घोर संक्लेश में डालना, उसके परिणाम बिगाड़ने को करना हो कुछ काम, तो उसे कोई चीज छुपा भी दो परिणाम बिगड़े बिना रहती। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। कुशील क्या है? कुशील शील का मतलब होता है ब्रह्मचर्य, और कु माने खोटा, खोटा शील माने आचरण भी कहते हैं, खोटा आचरण खोटी चर्या को कुशील कहा जाता है। अब इसमें इसकी परिभाषा दी है कि पराई माँ बहन को बुरी निगाह से देखना वो कुशील कहलाता है, माने अपनी स्त्री को छोड़कर संसार की किसी भी स्त्री में राग करना वो कुशील है। अपनी स्त्री की तो छूट रखी है इसमें, क्योंकि यदि अपनी स्त्री का भी त्याग कर देगा तो पूर्ण ब्रह्मचारी महाव्रती मुनिराज हो जाएगा, लेकिन गृहस्थ अभी मुनि अवस्था बनने की तो मुनि व्रत धारण करने की तो सामर्थ्य है नहीं, तो वो क्या करता है उसके लिए विधि बताई कि तू एक स्त्री में राग कर सकता, संसार की जितनी भी स्त्रियां हैं इन स्त्रियों में से किसी एक स्त्री को चुन करके
और उसके साथ उसका विवाह कर दिया जाता है कि बस अब तेरी सीमा यहाँ तक है, इसमें तेरे को जितना राग करना है तो तू कर सकता है, लेकिन इसको छोड़कर अन्य किसी स्त्री में राग नहीं कर सकता, ये मर्यादा। और यदि इस मर्यादा का वो उल्लंघन करेगा तो वो कुशील नामक पाप का दोषी है। इसलिए राग करे तो अपनी स्त्री में, क्योंकि उतना तो कम हुआ, वैसे तो अपनी स्त्री में भी राग करना तो बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन जो समस्त स्त्रियों का त्याग करने में असमर्थ है तो उसके लिए कम से कम ये विधि बताई कि सबका नहीं छोड़ सकता तो अनंत का तो छोड़ा, एक का ही बचा ना, अब एक स्त्री को छोड़कर बाकी सबका तो त्याग हो गया, इसलिए एक प्रकार से विवाह का दूसरा नाम है स्वदार संतोष व्रत। अपने दो विवाह जो है वो पवित्र रिश्ता है, स्वदार संतोष व्रत है, अनुव्रत है, वो कोई मतलब कोई भोगो भोग की शिक्षा देने वाला नहीं है, अपितु अपने भोगो भोग को एक मर्यादा में एक सीमा में लाने वाला व्रत है कि भाई आज से हमारा अन्य समस्त स्त्रियों का त्याग हो गया, नहीं तो आदमी को जानवर बनने में देर नहीं लगी, तो या तो महाराज बन जाए, महाराज बन जाए मैंने सबका त्याग कर दे, और नहीं महाराज बने तो जो स्त्री दिखेगी सब में राग करे, इसलिए उस आदमी को जानवर बनने से रोकने के लिए एक ये लौकिक व्यवस्था बनाई गई है कि भैया सारी स्त्रियों में राग नहीं करना और एक केवल स्त्री में, जो भी अपनी ज्ञाता है न्याय नीति से, जिसको अपन ने समाज की उपस्थिति में पंचों की उपस्थिति में जिससे अपन ने ब्याह किया है उसमें राग के अलावा और किसी में राग नहीं करना, और ये न केवल जैन धर्म में सभी धर्मों में प्रचलित है, ये व्यवस्था है, लौकिक व्यवस्था है। ये तो हमें और पशुओं में क्या अंतर है, पशु की होती क्या शादियाँ, उनके बैंड बाजे बजते हैं क्या? गधे जो है आगे आगे गाते जा रहे हैं, ऊपर की शादी हो रही है, देखिए कभी किसी नहीं होती ना, इनकी यहाँ कोई विवाह विवाह का कोई फंक्शन नहीं होता, वो चीज है ही नहीं, और इसीलिए उनके यहाँ कोई संबंध नहीं होता, माँ और पुत्र का भी संबंध नहीं होता। ऐसी त्रियंश गति में बिल्कुल अविवेक की दशा होती है, लेकिन हम हमारे अंदर मनुष्य गति में ऐसा व्यवहार नहीं होता, विवेकी होते हैं तो हम जो है कौन अपनी माँ है, कौन पत्नी है, कौन बहन है, कौन अपने से छोटी है, ये सब विवेक रखते हुए और केवल अपनी ब्याहता स्त्री में राग रखते हैं और बाकी समस्त स्त्रियों का त्याग होता है। और ये तो एक ऐसा व्रत है कि जो आप जैनी नहीं किसी हिंदू को भी बताओगे तो वो भी कहेगा हाँ बराबर बात, विवाह का उद्देश्य यही है कि अपनी स्त्री को छोड़कर अन्य समस्त स्त्रियों का त्याग करें। लेकिन आज ये स्थिति है कि आज लोग उसका भी अर्थ सही रूप में नहीं समझते, शादी करने का मतलब लोग ये समझते हैं जैसे कोई हमें भोगो भोग करने की छूट दी गई, हम खूब कुछ भी करें, तो कुछ भी करना तो नहीं, अब तो और संयमित मर्यादा में लाने के लिए बात कही, मैंने वो जो स्त्री थी अब तक वो सारी उस स्त्री का जितना भी किसी से भी संबंध हो, किसी पर पुरुष के प्रति राग भी हो, अब वो राग नहीं रख सकती, ऐसे पुरुष का स्त्री के अन्य स्त्री के प्रति राग नहीं हो सकता, यदि वो राग कर सकता है तो अपनी स्त्री में कर सकता है, अपने पुरुष में कर सकता है, अन्य में नहीं, समझा? तो ये एक मर्यादा का ध्यान रखने से इससे क्या है, लौकिक जीवन सबका सुखद रहेगा, अपनी अपनी स्त्री में राग रखेंगे दूसरे में नहीं रखेंगे तो किसी को भय नहीं होगा, संसार में किसी को किसी व्यक्ति से भय नहीं रहेगा कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि सबका अपनी अपनी स्त्री में अनुराग है, दूसरे की स्त्री में राग किसी का उत्पन्न होता ही नहीं, तो इससे लौकिक व्यवस्था भी अच्छी बनी रहेगी, जहाँ इस मर्यादा का उल्लंघन हुआ तो पशु बनने में हमें देर लगने वाली नहीं है, और सारी व्यवस्थाएं चौपट है, फिर तो हर आदमी को डर लगेगा कि भैया कल पता नहीं क्या हो जाए, मेरी स्त्री का क्या हो, यदि तुम्हारा दूसरी स्त्री में राग उत्पन्न होगा तो अन्य का भी तो तुम्हारी स्त्री में राग उत्पन्न हो सकता है, तो ये तो व्यवस्था को चौपट करने वाली बात हुई ना, अपनी अपने यदि अपन किसी के कांच पे जैसे कहते ना पत्थर मार रहे हैं तो अपने में तो घर कांच के बने हुए हैं। अब कई लोग क्या कहते हैं कि साहब को ब्रह्मचर्य का नियम दिला दो, ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा लेना है, मैंने कहा प्रतिज्ञा तो तुमने ले रखी है, ऑलरेडी ले रखी है, कब ले रखी है साहब, ने तो कोई प्रतिज्ञा नहीं ली, मैंने ली थी ना जब शादी की थी तब प्रतिज्ञा ही थी, वो पंचों की उपस्थिति में देवशास्त्र गुरु की साक्षी में हमने प्रतिज्ञा ली थी, किस बात की कि हम अपनी स्त्री को छोड़कर अन्य स्त्री में राग नहीं करें, तो तुम पहले सबसे पहले पर स्त्री सेवन का त्याग करो, सबसे पहला अपनी स्त्री का सेवन का त्याग तो बाद में होता है, पहले सबसे पहले किसका त्याग होता है, पर स्त्री सेवन, और पर स्त्री सेवन में क्या आता है, तो
परिस्त्री सेवन में परिस्त्री को राग पूर्ण दृष्टि से देखना है, और उसके है ना सारे जो भी इसके ब्रह्मचर्य व्रत के अतिचार बताए, तन मनोराग निरीक्षण, उसके मनोरंगों का निरीक्षण करना, पहले जो भोग भोगे हैं उनका स्मरण करना, प्रशिष्ट गरिष्ठ रस का भोजन करना, अपने शरीर का संस्कार करना, ये सब ब्रह्मचर्य व्रत के घातक है। आज मैं कहता हूं कोई अनुव्रति भी नहीं है, सच्चा विवाहित जोड़ा भी संसार में मिलना दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि किसी को अपनी स्त्री में संतोष नहीं है, अपने पुरुष में संतोष नहीं है। ये जितनी भी टीवी की जितने भी ये पिक्चर वगैरह आती है ये सब किस बात का प्रतीक है? यदि अपनी स्त्री में संतोष हो तो अपनी स्त्री की पिक्चर देखो ना, दूसरी स्त्री की पिक्चर देखने की क्या जरूरत है? अपनी तो दिख नहीं रही है वहां पे, तो दूसरे की दिख रही ना, तो अपनी पत्नी की खूब मूवी बना के देखो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें पाप नहीं लगेगा, अब्रह्म का पाप नहीं लगेगा, कुशील का दोष नहीं लगेगा। लेकिन यदि परिस्त्री की मूवी देख रहे हो तो उसमें तो घोर पाप है, भयंकर पाप है। क्योंकि ये नियम तुमने जब शादी करने का भी मतलब क्या रहा, जब आज भी तुम्हारी वृत्ति वैसी है तो तुमने शादी क्या की? बस लोगों के सामने पैसे का प्रदर्शन करके खर्चे कर दिए और कुछ नहीं। देखो शादी के अंदर मेन चीज जो होती है वो तो केवल फेरे होते हैं, वो नहीं हो बाकी सब हो तो शादी होती नहीं होती। फेरे और फेरे के समय नियम दिलवाए जाते हैं कि तुम आज से अपनी स्त्री के छोड़कर अन्य किसी स्त्री में राग नहीं करोगे, और उसे पूछ चल या देख ले, सोच ले तू एक बार और क्या कि साहब आपसे कह दिया ना हमने, और यदि सोच लिया होता तो यहाँ आते ही क्यों? क्या तो वो व्यक्ति बार बार मतलब उससे अनेक बार पूछा जाता है कि अभी तक कुछ बिगड़ा नहीं है, जैसे कोई आगे बिगड़ने वाला हो, अभी भी सोच लो। और ये सब करके उसको अपन नियम की बाउंड्री में लेके आते हैं, उससे प्रतिज्ञा दिलवाई जाती है। फेरे के समय में पूछते हो लोग तो उसको ऐसे हंसी मजाक में उड़ा देते हैं, लेकिन वास्तव में सबसे मेन विधि वही है, और वो हम पंच परमेष्ठी की साक्षी में कर रहे हैं। हमने वहाँ जिनवाणी विराजमान की है, हमने एक विद्वान पंडित को बुलाया है, हमने जो है बराबर फेरे लिए हैं, हमने पूरी विधि का निर्वहन किया, और उस विधि का पालन करके हम यदि भंग करें, हजार लोगों की साक्षी में जो तुमने नियम लिया उसको भी यदि तुम भंग करते हो तो तुम्हारे नए नियम लेने में क्या तुक है? जो हजार लोगों के सामने जो नियम लिया जब वो ही नहीं पाल रहे हो तो आगे क्या नियम पालोगे? तो इसलिए अपने को ये विचार करना चाहिए ये कि अपन क्या कर रहे हैं। अपने को भोग भोग की छूट नहीं मिली, छूट मिली एक दृष्टि से, लेकिन अपनी स्त्री के लिए छूट मिली, अन्य स्त्री के लिए छूट नहीं। और दूसरी बात, जो चीज अपने को जो भोगना ही है भोगना ही नहीं है, तो कहते ना कि जो भोगना ही नहीं है जो वस्तु, तो उस वस्तु को देखने का भाव करके क्या करना? जो लक्ष्मी अपने भोग की नहीं है उस लक्ष्मी को देखोगे तो मन में संक्लेश परिणाम हुए बिना नहीं रहेगा, और न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। इसलिए उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के लिए पांचों इंद्रियों के विषयों का त्याग एकदम दूर से कराया कि भाई तुम्हारे को न स्पर्श इंद्री का विषय होगा, न रसना इंद्री का, न घ्राण का, न चक्षु का, न कर्ण का। जब देखोगे ही नहीं परिस्त्री को, देखोगे ही नहीं तो परिस्त्री में राग उत्पन्न होने का सवाल ही नहीं उठता। जब बांस ही नहीं रहेगा तो बांसुरी कैसे बजेगी? और दूसरी बात, संस्कार जो होता है ना, संस्कार सजाना वजाना, ये सजाना होता है अपने पुरुष के लिए अथवा अपनी स्त्री के लिए। यदि सचमुच उसका व्रत है और सचमुच उसने विवाह किया है और पर पुरुष का और पर स्त्री के राग का त्याग किया है तो वो पर पुरुष के लिए भी सज सकते। अब ये स्थिति होती है कि अपन अपने घरों में देखते हैं तो अपने घरों में अपनी पत्नी एकदम घर में घुसेगी और बिल्कुल फटी टूटी साड़ी पहन के घुस जाए काम, और बाहर निकलेगी तो अच्छी 5-7 हज़ार रुपये की साड़ी। तो साड़ी किसके लिए? घर वाले को 400 रुपये की, बाहर वाले को 4,000 की, किसके लिए सजना है ये तो बताओ? अंदर में कहीं ना कहीं राग भाव। पुराणों में तो आता है कि जो स्त्रियां थी वो अपने पति के लिए सजती थी, अब आजकल पति के लिए तो कोई नहीं सजता है। पति को तो ऐसा लगता है जैसे घर में कोई बर्तन वाली हो काम आती है, क्योंकि वो भी ऐसे कपड़े पहन के रहती है। तो ये विचार की बातें हैं सारी, थोड़ा सोचने समझने की।
किसके लिए है ये सब, और हो तो भी एक सीमा में हो, लेकिन कितना भद्दा प्रदर्शन हो चला है। तो अपने वो मंदिरों में कहीं कभी 10 लक्षण के अंदर ये जो होते हैं ना कुछ कुछ वर्ग में, तो अपने लगता है कि क्या करें, मंदिर से भाग जाए, कहाँ जाए, मंदिर अपन किस लिए आए हुए हैं, क्या हो रहा है। लोग विवेक नाम की कोई चीज नहीं, मंदिर से सादगी पूर्ण जगह और कोई नहीं होती, और धर्म के जितने कार्य होते हैं वो सादगी से किए जाते हैं, इनमें प्रदर्शन का अवसर क्या हो सकता क्या। तो ये सचमुच ये सब कुशील की ओर वृत्तियां हैं, जिसको अपने पुरुष में संतोष होगा, अपनी स्त्री में संतोष होगा, उसकी ऐसी वृत्ति नहीं होती। इसलिए मैं कहता हूँ कि पंचम काल के अंदर महाव्रति तो बहुत दूर की बात है, आप एक सच्चा अणुव्रति भी बताओ। क्या इसके इतना भी नियम है, रावण जैसा आदमी भी मिलना मुश्किल है। रावण के परिस्थिति त्याग का नियम था, 15 दिन तक सीता उसके घर में रही, लेकिन उसके उसका मतलब परिणाम बिगड़ा हो, लेकिन उसने उसका स्पर्श नहीं किया, सीता की अग्नि परीक्षा ने उसको सिद्ध किया। इसलिए अंतरंग परिणाम उसकी प्रतिज्ञा ली, दृढ़ थी प्रतिज्ञा, अनंत वीर केवली के समक्ष उसने प्रतिज्ञा ली थी कि जो परिस्थिति मुझे नहीं चाहेगी मैं उसका सेवन नहीं करूंगा, बराबर निभाई उसने उस प्रतिज्ञा को, उसने भंग किया। तो ये विवाह तो है प्रतिज्ञा का नाम, हम देवशाल गुरु की साक्षी में नियम ले रहे हैं, और इसलिए उसका नाम दिया भी है कहीं कहीं स्वदार संतोष व्रत। स्वदार माने अपनी पत्नी में संतोष रखने का ये है व्रत, और पत्नी के लिए स्वदारा माने अपने पति में संतोष रखने का ये नियम। और फिर इसके अतिचार वगैरह, इसके अतिचार है जैसे दूसरे के बच्चे बच्चियों का विवाह कराना, ये अपने बच्चे बच्चियों को छोड़कर दूसरे के बच्चे बच्चियों का विवाह कराना ये ब्रह्मचर्य का अतिचार है, क्योंकि कौन से बहुत अच्छे काम करा रहे हो तुम उसको, तुमने तो जो काम किया सो किया, वो दूसरे के कराने से तुम्हें क्या लेना था, तुम अपने बच्चे अच्छे की करा दो, तुमको करना है फालतू में दूसरे के अंदर इसमें बीच में काम करने में क्या सेंस क्या है, फोकट के जो है जिसको कहते ब्रोकर बनना, और कुछ बिगड़ जाए तो वो सबसे पहले आदमी तुमको याद करेगा किसने कराई थी, करा लेगा। फटे में पाँव डालना, और फिर भी यदि बहुत कुछ हो तो अपने ब्लड के रिलेशन हो, अपना बहुत निकट का कोई परिचित हो, उसकी एक अलग बात है, लेकिन जान जान करके जबरदस्ती किसी को सलाह देना, मंदिर में आए कोई तो व्यक्ति हाँ ये पड़ोसी के लिए बहुत बढ़िया, तो पड़ोसी गया एक तरह तेरे क्या लेना देना उसका। पर विवाह करना ही अतिचार है, अनंग क्रीड़ा विटप विपुल तृषा इत्यादि का गमन में सब अतिचार है। ये जैसे स्त्री के पुरुष के वस्त्र पहनना, पुरुष को स्त्री के वस्त्र पहनना, ये सब अतिचार है। स्त्री का गमन, जो स्त्री का व्यवहार ठीक नहीं हो ये विचारी उसके उससे संबंध रखना, उससे मेल मिलाप बढ़ाना, ठीक नहीं उसके ऐसे ही पर स्त्री पर पुरुष के कोई भी इनकी इनकी शैया वगैरह है, उनकी किसी भी चीज़ का उपयोग करना, एकांत में वार्तालाप करना, ये सब ब्रह्मचर्य के दोष है, क्योंकि जिनवाणी में इसके लिए बहुत सावधानी रखने की सलाह दी गई है। कहते हैं कि अग्नि कितनी अच्छी है, मक्खन कितने अच्छा हो, घी 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 कितनी अच्छी क्वालिटी का हो, लेकिन वो अग्नि के संपर्क में आएगा तो पिघले बिना नहीं रहेगा, इसलिए वो अच्छा ही है कि उस संपर्क से ही दूर रहे, संपर्क से दूर रहेगा, उसके मन में परिणाम में कभी कोई विकार आएगा ही नहीं, निराकुल रहेगा, और विकार आएगा आकुलता उत्पन्न होगी, दुख होगा। तो एक जैसे ही रोग है, ये रोग उत्पन्न नहीं हो तो बहुत बढ़िया है, रोग उत्पन्न होने के बाद उसका शमन करना वो तो कोई अच्छी बात नहीं है ना। तो इसलिए कुशील के अंदर इन्होंने इतने किया। देखो इसके दो भेद किए, बहिरंग और अंतरंग। बहिरंग में रतिजन्य, बहिरंग तो स्थूल है, रतिजन्य सुख के लिए स्त्री पुरुष की जो भी चेष्टा है वो बहिरंग कुशील है, और अभ्रंग अंतरंग क्या है, अंतरंग में निश्चय से देखा जाए तो आत्मा में लीनता का अभाव ही अभ्रम है। देखो पर से रमने का भाव अभ्रम है, पर में न केवल स्त्री आती है, ये देह में भी जो रमना है, देह में अपनापन है, ये सब अब्रह्मी है। किसी भी पर में रमना अब्रह्म है। अपन ने अभी इस तरह से समझा कि पर स्त्री में रमने का भाव अब्रह्म है, लेकिन अपनी आत्मा को छोड़कर किसी भी पर पदार्थ में रमना ये अब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्मचर्य जो धर्म है वो मोक्ष का कारण है। ब्रह्म माने होता है अपनी आत्मा, चर्य माने चर्या, लीनता करना, अपनी आत्मा में लीनता करना वो असली ब्रह्मचर्य है।
और अपनी आत्मा में लीनता करने रूप जो असली निश्चय ब्रह्मचर्य है उसके पालन के लिए व्यवहार ब्रह्मचर्य। कि अभी जब तक तेरे को परिस्थिति का ही राग नहीं टूटा है तो अपने शरीर का क्या राग छूटेगा। जिस पुरुष का इतनी परिस्थूल वस्तु है उसमें राग नहीं जा रहा है तो जो बिल्कुल निकट की राग है, निकट की वस्तु है, उसका राग कैसे छूटे। तो इसलिए ये निश्चय ब्रह्मचर्य के लिए व्यवहार ब्रह्मचर्य आवश्यक है। जिसके व्यवहार ब्रह्मचर्य का पालन नहीं है उसके निश्चय ब्रह्मचर्य माने अपनी आत्मा की लीनता रूप ब्रह्मचर्य तीन काल में संभव नहीं। और व्यवहार ब्रह्मचर्य का पालन करके कोई ये समझे कि मैंने निश्चय ब्रह्मचर्य की प्राप्ति कर ली है तो आचार्य कहते हैं बात नहीं है। वास्तव में अपनी आत्मा से प्रेम होगा, अपनी आत्मा में लीनता होगी, असली ब्रह्मचर्य तो तभी होगा। और अपनी आत्मा में लीनता के लिए बाधक केवल स्त्री नहीं है, अपनी अपनी आत्मा में लीनता के लिए बाधक पांचों इंद्रियों के विषय। और यही कारण है कि ब्रह्मचर्य व्रत में पांचों इंद्रियों के विषयों का त्याग कराया जाता है। अब देखो आगे लिखिए, ब्रह्मचर्य व्रत की पांच भावनाएं हैं और पांचों भावनाओं में इंद्रिय विषयों का त्याग। आप बताना विचार करके कौन सी भावना में कौन से इंद्रिय विषय का त्याग है। मैं पढ़ता हूं, पहला, सबसे पहला, इसमें दे रखा है इस पर इंद्रिय का भी नाम, स्त्री राग कथा श्रवण त्याग। स्त्रियों में राग उत्पन्न करने वाली कथा को सुनने का त्याग करना कर्ण इंद्रिय का त्याग, और कथा सुनने का त्याग। इसके बाद में स्त्रियों के मनोरंगों के निरीक्षण का त्याग, इसमें कौन सी इंद्रिय का त्याग हुआ, चक्षु इंद्रिय। भोगे जो भोग पहले पूर्व में भोगे हुए भोगों का स्मरण का त्याग, वे मन का त्याग। गरिष्ठ रसों का, गरिष्ठ रस मैंने खूब गरिष्ठ रस, दाल बाटी चूरमा मालवा का भोग खाके सो जाया तो ये गरिष्ठ रस है। तो गरिष्ठ रस जो इंद्रियों में विकार उत्पन्न करने का हेतु है, खूब घी मसाला खाएगा, तेल मिर्ची मसाला ये वो, तो विकार तो उत्पन्न हुए बिना नहीं रहेगा। एकदम सिंपल भोजन हो, और नहीं भी हो सिंपल तो कम से कम खूब गरिष्ठ ना हो, सादा सीधा हो। शरीर के संस्कार का त्याग, यही ना बात, अपने शरीर का संस्कार भी करें। और यदि उसने पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का मतलब पूर्ण महाव्रत नहीं है तो संस्कार भी करे तो अपने पुरुष स्त्री के लिए, बाकी के लिए नहीं, अपने शरीर के संस्कार का त्याग। इसमें कौन कौन सी इंद्रियां है भैया, दो इंद्रियां, स्पर्शन और रसना। क्योंकि जो परफ्यूम वगैरह लगाते ना इसमें रस, इसमें स्पर्शन और रसना नहीं, स्पर्शन और घ्राण, इसमें घ्राण इंद्रिय का त्याग, घ्राण इंद्रिय के विषय का सेवन होता है। तो हम लगा लगा कर और माला फेरते रहे, माला फेरते रहे अपने पता चल जाता है कौन आया कौन आया कौन आया, ना तो अपनी भी क्या करो, कि लोग परफ्यूम भी फिक्स है कौन कौन से लगा गया, अपनी नाक पे चढ़ देती कौन आया। तो ये कोई विषय जो है स्पर्श ध्यान इंद्रिय के विषय माने संस्कार का त्याग, ये संस्कार का करना सेवन ही अच्छा नहीं। ये सब बहुत सारी चीजें तो बाहर से आई, फॉरेन कल्चर जो है ना, पाश्चात्य सभ्यता, उनके जो संस्कृति है वो अपनी बहुत ज्यादा तेजी से प्रवेश कर रही है। बाहर तो क्या है देखो, उन लोगों की मान्यता में और अपनी मान्यता में वो जमीन आसमान का अंतर है। वो लोग पांच इंद्रिय के विषय भोग में सुख मानते हैं, वो ये मानते हैं कि बीमारी पैदा करो और बीमारी पैदा करके उसका इलाज करो, नए नए प्रोडक्ट का आविष्कार करो और दुनिया को उसका गुलाम बना के उसको बेचो, माल बेचो। तो उनकी पॉलिसी अलग है, उनका सारे सिद्धांत अलग है। वो इंद्रियों के सुख को सुख मानते हैं, उसमें कुछ गलत भी नहीं मानते। माने कुछ भी चीज खाना पीना भोगना, क्या पांचों इंद्रियों के भोग भोगना, इतना सा भी उनके मन में फीलिंग नहीं कि कुछ गलत भी है, बढ़िया तो बहुत जीव आनंद में सुख में सब सुखी सर्वभौम सुखी। और अपनियां उसकी अपनियां तो मूल विचारधारा ही अलग है। अपन कहते हैं इंद्रिय विषयों में सुख नहीं, सुख तो निजात्मा में, पर पदार्थों में सुख नहीं है, मटेरियल में माने चीजों में सुख नहीं, सुख तो अध्यात्म माने अपनी आत्मा में, निज आत्मा में सुख है पर पदार्थों में सुख नहीं है। इसलिए अपन कहते हैं ना कि वो अपनी आध्यात्मिक जीवन है और वहाँ पे वस्तु का मटेरियलिस्टिक लाइफ है। यद्यपि अब कोई अंतर नहीं रहा उनमें और अपने, अब तो वो भी वैसे ही और अपन भी वैसे ही, लेकिन उनकी इन धारणाओं के कारण वो तो पांच इंद्रिय के विषय भोग भोगते हैं। और इसलिए जितने भी सुगंधित पदार्थ है ये वो लोग अधिकांश सेवन करते, मतलब अधिकांश जो है उसका उपयोग वो लोग करते हैं।
आज से 20-25 साल पहले तक मैंने देखा कि हर आदमी मंदिर में आ रहा हो तो परफ्यूम लगा के छिड़क के आ रहा हो। तो अभी अभी धीरे धीरे चलन चल पड़ा कलोन और डिओडोरेंट और क्या क्या चल रही है। मैंने कहा सब मैं अमेरिका में देखता था, हाँ वो बीमारी को यहाँ किया है, क्या सोच क्या लोग क्या कर रहे हैं, ये तो उससे भी आगे बढ़ रहे दो कदम है। साबुन से देखो आपसे जो बन सकता है, वैसे तो ये साबुन वाबुन भी जितनी चीज़ें होती है ये अपने शरीर की चमड़ी के लिए नुकसानप्रद ही होती है। नाना हो तो मिट्टी आती है, मुल्तानी मिट्टी ना हो सारा, लेकिन आपसे होएगा नहीं, हो जितना हो उतना ही कर लो। कम से कम परफ्यूम कलोन वगैरह का जो सुगंधित पदार्थ है इनके अनुमित से बहुत जीवों की हिंसा होती है, इन चीज़ों का उपयोग है। शराब रहता ना उसमें, शराब सारे परफ्यूम में अल्कोहल होती है लगभग सारे, और नहीं तो किसी जीव का प्रोडक्ट, कोई कोई किसी ने किसी एनिमल प्रोडक्ट होता है उसमें, कोई जानवर होता है कहीं पे कुछ भी कुछ होता है, अभक्ष मतलब खाने योग्य तो खैर बहुत जीव हिंसा से निर्मित प्रोडक्ट है, अपने उपयोग योग्य नहीं। तो दूसरी बात स्पर्श ये है, पंचेंद्रिय के विषयों की लालसा इससे तीव्र बढ़ती है, रोग को बढ़ाने में निमित्त है, रोग का अभाव करने में निमित्त नहीं। ये रोग तो उत्पन्न ही नहीं हो, अच्छी बात है, इसलिए ये पांचों इंद्रियों के विषयों का त्याग कराया, क्योंकि पांचों इंद्रियों के विषय हमको अपनी आत्मा में लीनता में बाधक है। यदि एक भी इंद्रिय विषय की लीनता होगी तो वह आत्मा का अनुभव नहीं होने देगा, इसलिए पांचों इंद्रियों के विषयों का त्याग करेगा और निस्वरूप किया विचार स्मरण करेगा तो अपने स्वरूप के अंदर लीनता कर पाए, इसलिए पांचों इंद्रियों के विषयों का त्याग करेगा। ठीक है, ये वो अपना ब्रह्मचर्य कल अपन करेंगे, परिग्रह का आप क्या है, परिग्रह के कितने भेद है, ये सारी चर्चा आप करेंगे।